हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 के एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 11 के एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं जो कि आर एस वगैरह बुक से है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है, इन सबको वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है। तो हम पहले बारी बारी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन 2 थीटा को इक्वल दिखाना है, साइन 2 थीटा को इक्वल दिखाना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा को हमको 30 डिग्री लेना है, थीटा को 30 डिग्री लेना है। तो लिखेंगे सिंस गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले LHS पार्ट का वैल्यू लिखेंगे, मतलब वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद RHS पार्ट का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों पार्ट इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो तो अब देखेंगे गिवन थीटा 30 डिग्री है, अब हम LHS लेंगे। तो देयर फोर LHS इक्वल टू, LHS क्या है मेरा, LHS है साइन 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना रखना है, 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू थीटा है तो इंटू 30 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो ये LHS का वैल्यू आ गया। अब हम RHS का वैल्यू निकालेंगे। तो RHS क्या है, RHS पार्ट में कौन सा एक्सप्रेशन है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 sin थीटा क्या रखना है, तो थीटा है 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस थीटा कितना रखना है, 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3/2, ठीक है। तो साफ साफ लग रहा है कि LHS का वैल्यू जो RHS के वैल्यू के इक्वल है। तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, यानी कि जो चीज़ वेरीफाइड करना था वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। LHS का वैल्यू जो है RHS के इक्वल आ गया, देयर फोर साइन 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 3 एक्सप्रेशन दिए हैं और तीनों एक्सप्रेशन को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक एक्सप्रेशन का अलग अलग से वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है cos 2 थीटा को इक्वल दिखाना है 2 cos²θ-1, और इसको इक्वल दिखाना है 1 - 2 sin²θ, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल 3 एक्सप्रेशन है, तीनों एक्सप्रेशन को इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से एक एक एक्सप्रेशन उठाएंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पहले लेंगे हम cos 2 थीटा का निकालेंगे, तो लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर, ठीक है ना, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू, तो cos 2 थीटा कितना रखना है, 30 डिग्री, तो इंटू 30 डिग्री कितना आ गया, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन है मेरा 2 cos²θ-1, अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 cos²θ कितना है मेरा, तो थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री - 1। अब इसको सॉल्व करो तो 2 cos²θ को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -1। अब इसको सॉल्व करो तो 2 cos²θ का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, -1। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व करो
तो 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 -1 आ गया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस, और ये जो 2 हिस्से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब कितना आ गया, तो 3 -2 होगा 1, तो 1/2। इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। कॉस 2 थीटा का 1/2 था यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है ना। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन, तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है मेरा, 1 -2 sin²θ, ये है मेरा थर्ड एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -2 sin²θ कितना रखना है, तो थीटा 30 डिग्री है, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 sin²θ को sin 30 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin²θ को sin 30 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 2 × 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 2 4, तो कितना आ गया, 1 - 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1/2, क्लियर है। 2 - 1 2 - 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लिए, और तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि हम इसको इक्वेशन, अगर हम इसको 1 बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 2 बोलते हैं, और इसको अगर हम 3 बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन 1, 2 और 3 में तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहां पे हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, वी कैन क्लियरली से दैट, क्या कह सकते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर होगा, यानी कि कॉस 2θ जो होगा, 2 cos²θ - 1 होगा, इज इक्वल टू 1 - 2 sin²θ, ठीक है। यानी कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, 2 cos²θ - 1, 1 - 2 sin²θ, क्लियर है। तो ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें तीन एक्सप्रेशन दिए हुए थे, तीनों एक्सप्रेशन का बारी बारी से वैल्यू निकाले। यहाँ पे कॉस 2θ था, तो कॉस 2 × 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2 इसको क्वेश्चन में। फिर इस जस्ट वैसे ही इसको सॉल्व किए, जिसका भी वैल्यू कितना आया, 1/2 ही आया, और थर्ड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आया, 1/2 ही आया, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। इसको लिख लो, अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, tan 2θ को इक्वल दिखाना है 2 tan θ डिवाइड बाई 1 - tan²θ, ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे दो ही पार्ट है, मतलब दो ही एक्सप्रेशन है, ये LHS हुआ, ये क्या हुआ, RHS हुआ। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि LHS का वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का दोनों की इक्वल करेंगे। तो पहले हम LHS देखेंगे, तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS क्या है मेरा, तो LHS है tan 2θ, तो tan 2θ कितना है मेरा, 30 डिग्री, तो × 30 डिग्री कितना आ गया, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, क्लियर है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब हम RHS पार्ट को देखेंगे, नाउ RHS, तो RHS क्या है, 2 tan θ डिवाइड बाई 1 - tan²θ, ठीक है। अब हम थीटा का वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो 2 tan θ कितना है मेरा, 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए, डिवाइड बाई 1 - tan²θ, इसको सॉल्व करते हैं, 2 tan θ का वैल्यू कितना होता है, तो tan θ का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। tan θ का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस, अब
टैन स्क्वायर 30 डिग्री को हम ले सकते हैं, टैन स्क्वायर 30 डिग्री को हम ले सकते हैं टैन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और टैन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, टैन स्क्वायर 30 डिग्री जगह पे 1/√3 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, केवल 3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा -1, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा, हाँ ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 3/√3, क्लियर है। अब 3/√3 को हम चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, इस पार्ट को हम ऊपर लिख रहे हैं, क्या आया है 3/√3, ठीक है, तो चाहो तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3√3, और √3 × √3 √3 के स्क्वायर, और √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √3, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कितना आ गया √3, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे LHS का भी वैल्यू √3 है और RHS का भी वैल्यू कितना है √3 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है, इसी को वेरीफाई करना था, वेरीफाइड हो, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट था, तीनों पार्ट कर लिए, ठीक है, इसमें केवल प्रूफ करना था, अगर वैल्यू याद रहे एंगल का, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू याद रहे और कैलकुलेशन सही से करे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।